पहले आदम लोग आते हुए बुलेट के और R15 KTM RC के जितने भी मॉडिफिकेशन के पार्ट मिलते हैं उनके शॉप पे, और आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। एड्रेस और फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दिखा देते हैं इनके पास क्या क्या मिलता है। Sing to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Christmas, every time we start locking eyes, इंडिकेटर पे आएगा, ये पार्किंग हो गया, लेफ्ट इंडिकेटर हो गया, लेफ्ट इंडिकेटर। और अगला का दिखाइए, लो हो गया, लो लाइट, हाँ लो लाइट, ओके, ये हाई हो गया, हाई लाइट, इंडिकेटर, ये इंडिकेटर पे भी लगा सकते हैं और पार्किंग पे भी लगा सकते हैं, ओके, ये पार्किंग पे ये भी लगा सकते हैं। और अगला दिखाइए, पार्किंग नहीं, ये लो लाइट होगा, मेन लाइट होगी, ये मेन लाइट, अपर लोअर होता है ना, ओके, इसमें वही चीज़ है, पार्किंग और इंडिकेटर पे है कि बिलिंग करेगा, फॉग लाइट बोलते हैं। और ये सब किस कौन कौन सा बाइक में फिट हो सकता है? रेंजर में भी हो जाएगा, हाँ, और बुलेट, बुलेट का कोई भी गाड़ी में, बुलेट के कोई भी गाड़ी में और एवेंजर में, और बाकी R15 वगैरह का मिल जाएगा। R15 का पहले ID लाइट आता, ये R15 का है, R15 बुलेट बुलेट सब ये यूनिवर्सल है, किसी भी गाड़ी में लगेगा, तो ये यूनिवर्सल है। KTM
किसी भी गाड़ी में लग सकता है, किसी भी गाड़ी में लग सकता है। आर्बन फाइव हो गया, बुलेट हो गया, स्कूटी हो गया, सब किसी भी। इसको क्या बोलते हैं? बबल वाइजर। इस तरह बबल वाइजर 220 का रहता है ये। 220 का। ओके, कितना तक आ जाएगा ये? ये आपको 700 तक आ जाएगा। 700 तक। और भी अगर यहाँ कस्टमर लेने हैं तो कुछ कम बेस हो सकता है ना, डिस्काउंट हो जाएगा इसको तो। ओके, ये कौन सा गाड़ी का? ये वर्जन 3 R15 वर्जन 3। ये इसका भी प्राइस वही है? ये 800 का आएगा, वो भी 700 तक हो जाएगा। ओके, और ये कौन सा? वर्जन 2 का है। वर्जन 2 का R15 का। इसका भी सेम प्राइस है? प्राइस बबल वाइजर कोई भी लिए होता है। ओके, थोड़ा बहुत कम हो सकता है ना। ये कौन सा है? ये डोमिनार का। डोमिनार। तो गाइस जानते हैं साइलेंसर के बारे में कुछ, जैसे साइलेंसर का बहुत ज़्यादा डिमांड आता है, तो भैया ये वाला साइलेंसर के बारे में बताइए। तो ये एसी प्रोजेक्ट है। एसी प्रोजेक्ट कौन कौन सा बाइक में लग सकता है? ये यूनिवर्सल है, सभी गाड़ी में लग सकती है। ओके, इसका साउंड कैसा है? साउंड इसका ढांसवी है, मतलब आवाज़ ये लगने के बाद पता चलता है। ठीक है, भैया इसके बारे में बताइए। ये M4 साइलेंसर है। इसका भी आवाज़ थोड़ा बेस्ट टाइप में है। ओके, ये लगने के बाद अभी पता चलेगा। ये भी कोई गाड़ी में लग सकता है? हाँ, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइलेंसर है। ये साइलेंसर में कोई भी बाइक में लगा, ये सब यूनिवर्सल है। ओके, सारा साइलेंसर यूनिवर्सल है जी। क्या इसके बारे में बताइए? ये एकरा पोविक है। एकरा पोविक, हाँ, ये भी बेस में निकलेगा। ओके, बेस में। बेस में ये भी बेस में निकलेगा। ये डबल साइलेंसर का मुँह है, उससे होता है क्या कि थोड़ा आवाज़ बेस निकलता है, डबल साइलेंसर वाली ज़्यादा निकलता है। हाँ, थोड़ा आवाज़ बेसी निकलेगी। ओके, इसके बारे में? ये भी एसी प्रोडक्ट है। Okay. इसका ये छोटा वाला है, ये एसी प्रोडक्ट। Okay. ये बड़ा वाला है। बड़ा वाला है। एक बैंड आ गया, ये जो KTM RC ये वर्जन 3 वर्जन 2 में लगा सकते हैं। Okay. इतना होता है कि मतलब छोटा काट कर लगाया जाता है, ये पूरा साइलेंसर बाहर निकाल कर ये वाली लग जाएगी, काटना नहीं पड़ेगा। ओके, इसके बारे में बताइए। ये बुलेट का साइलेंसर है, डबल वो वाली देख सकते हैं आप लोग। ये बैंड कोबरा है। बैंड कोबरा। ये शार्क हुआ और ये शार्क है। इसका ब्लैक में भी मिल जाएगा। उस साइलेंसर में डीवी किलर भी आती है, उससे होता है क्या कि इसमें आवाज़ कम बेसी करने के लिए आता है। वो डीवी किलर ये छोटा सा रहता है। ओके, डीवी किलर अलग से आता है? अलग से आता है, मतलब आवाज़ कम बेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये पाँचों में। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोग सारे ऐसी सीरीज के बारे में आप लोगों को बताया, साइलेंसर और भी यहाँ पे मिलते हैं जो चीज़, उनके बारे में बताया और प्राइस के बारे में बहुत कम बताया, क्योंकि इनके जो मेन ऑनर है वो यहाँ पे नहीं है। और आज हमको सिर्फ शॉप ही एक्सप्लोर करना था और आप लोगों को बताना था। नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उसका प्राइस के साथ सारे डिटेल के साथ आएंगे वो वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम मेरे फॉलो नहीं किया तो आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।